हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हलवाई स्टाइल मोहनथाल की रेसिपी बनाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपका मोहनथाल नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल मार्केट के जैसा सॉफ्ट दानेदार बनेगा। इस वीडियो में हम 500 ग्राम यानी आधा केजी बेसन से इसे बनाएंगे। अधिकतर घरों में आधा केजी या एक केजी बेसन से इसे बनाया जाता है। वीडियो में मैंने मेजरिंग ग्राम्स में और 250 ml कप्स दोनों से बताई है, तो बनाने में आपको कोई भी गलती नहीं होगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेम मेजरिंग से हम दो प्रकार के अलग अलग मोहनथाल कैसे बनाएंगे। दोनों ही मोहनथाल बिल्कुल सॉफ्ट दानेदार बनेंगे, बिल्कुल मिल्क केक की तरह, वो भी बिना मावा डाले। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 250 ml कप से इस प्रकार से पूरा अच्छे से भरकर 4 कप बेसन, यानी ग्राम्स में देखें तो ये बेसन 500 ग्राम है। बेसन आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे वो चक्की का पिसा हो या मार्केट के पैकेट वाला। बेसन को हम एक बड़े बर्तन में डालेंगे। अब हम लेंगे 300 ml घी, इससे ज़्यादा घी हमें नहीं लेना है। घी को हम पहले मेल्ट करेंगे, उसके बाद इस प्रकार से उसे मेज़र करेंगे। 250 ml कप से अगर आप मेज़रिंग करें तो ये घी 1.5 कप मेल्टेड घी है। तो अब हम बेसन में 5 टेबल स्पून मेल्टेड घी डालेंगे। तो 100 ग्राम बेसन के लिए हमें 1 टेबल स्पून घी का यूज़ करना है। अब हम इस घी को अच्छे से बेसन में मिलाएंगे। इस प्रोसेस में हमें 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, तो इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। घी को जब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब हम इसमें डालेंगे 5 टेबल स्पून दूध। दूध हमें नॉर्मल ही लेना है, गर्म या ठंडा दूध नहीं लेना है। तो मेजरिंग बहुत ही आसान है, जितना हमने इसमें घी डाला है उतना ही हम इसमें दूध डालेंगे। अब हम दूध को भी अच्छे से बेसन में मिक्स करेंगे। इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा, लगभग 4 से 5 मिनट का। तो ये काम हमें अच्छे से करना है, कोई भी जल्दी नहीं करना है, क्योंकि एक बार बेसन में अच्छे से दाना बनेगा तो मोहनथाल बहुत ही अच्छा बनेगा। तो दूध को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक बड़ी परात लेंगे और एक मोटी चलनी लेंगे और इसे छानेंगे। तो मैदा या आटा छानने वाली चलनी से हमें इसे नहीं छानना है, उससे मोटी वाली चलनी से हम इसे छानेंगे। इससे इसका दाना बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो अगर आपके पास ये वाली चलनी नहीं है तो आपके पास फिर जो भी चलनी हो आप उससे इसे छान लें। तो इस प्रोसेस में लगभग 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा। 10 से 12 मिनट में बिल्कुल बारीक चिकने बेसन से दानेदार बेसन बनकर तैयार हो जाएगा। तो बेसन को हमने छान लिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही दानेदार बेसन बनकर तैयार हुआ है। तो बेसन हमारा बनकर तैयार है, अब हम करेंगे इसकी भुनाई। तो अब हम एक मोटे तले वाली कढ़ाई लेंगे और अब हम इसमें घी डालेंगे, साथ में डालेंगे बेसन। अब हम बेसन को लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। तो गैस की फ्लेम को हमें अभी लो ही रखना है, जब तक कि बेसन थोड़ा फूल नहीं जाता। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। तो बेसन को भूनने के लिए हमें मोटे तले वाली कढ़ाई लेना है। मोहनथाल को बनने में समय थोड़ा सा ज़रूर ज़्यादा लगता है, पर इस मोहनथाल के आगे महंगी सी महंगी मिठाई का स्वाद भी फीका पड़ जाता है। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। 12 से 15 मिनट बेसन को हमने भून लिया है। बेसन फूलने लगा है और बिल्कुल हल्का भी हो गया है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। इस समय फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए 10 से 12 मिनट तक और भूनेंगे, क्योंकि अब हमें बेसन को भूनने के साथ साथ इसमें अच्छा सा कलर भी लाना है। लगभग 10 से 12 मिनट का टाइम और लगेगा। तो बेसन को भूनने में थोड़ा सा समय कम या ज़्यादा लग सकता है, ये आपके गैस और कढ़ाई पर डिपेंड करेगा। तो हमें इसे अभी लगातार चलाते रहना है। तो कढ़ाई हमें मोटे तले वाली ही लेनी है, तभी बेसन की भुनाई अच्छे से होगी। और जितनी अच्छे से हम बेसन की भुनाई करेंगे उतना ही स्वादिष्ट हमारा मोहनथाल बनेगा। बेसन को हमने 10 से 12 मिनट और भून लिया है। टोटल टाइम हमें इसे भूनने में 30 से 35 मिनट लगा है। बेसन भूनकर तैयार है, तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। तो आधा कप मिल्क पाउडर डालें और इसे अच्छे से मिक्स करें। आधा कप मिल्क पाउडर और डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे।
मिल्क पाउडर डालने के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद भी अभी ये काफ़ी गर्म है, तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक और ऐसे ही चलाते रहेंगे। मिल्क पाउडर की जगह आप इसमें इसी समय मावा भी डाल सकते हैं, पर मावा डालने से ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। मिल्क पाउडर डालने से इसे हम लंबे समय तक स्टोर कर रख सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट हमने इसे और चला लिया है, अब हम इसे अलग रखेंगे। और अब हम चाशनी बनाने के लिए हम लेंगे 400 ग्राम चीनी। 250 ml के कप से अगर आप इस चीनी को मेज़र करेंगे तो 1 + 3/4 कप चीनी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, 1 cup + 1/4 cup पानी डालेंगे, लगभग 300 ml। अब हम चीनी के घुलने तक इसे लगातार चलाते रहेंगे। 500 ग्राम बेसन में हम 400 ग्राम चीनी का यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं डालेंगे। तो चीनी अच्छे से घुल गई है, अब हम इसमें डालेंगे 1 teaspoon दूध। दूध डालकर हम चाशनी को साफ करेंगे। दूध के डालने से चाशनी में जो भी कचरा होगा वो झाग के साथ ऊपर आ जाएगा और हम इसे इस प्रकार से निकाल देंगे, चाशनी बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो चाशनी अगर आपकी बिल्कुल साफ हो तो आप इस प्रोसेस को स्किप। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 teaspoon इलायची पाउडर, 2 pinch ऑरेंज फूड कलर। तो अगर कलर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक तार की चाशनी बनानी है, पर एक तार कैसा लेना है इसे अभी हम देखेंगे। तो 4 से 5 मिनट चाशनी को लो फ्लेम पर पकने देंगे। 4 से 5 मिनट बाद चाशनी को हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि चाशनी में एक तार बन रहा है, पर बहुत छोटा सा तार है और एक बार में लंबा तार नहीं बन रहा है। तो सॉफ्ट दानेदार मोहन थाल के लिए ये चाशनी परफेक्ट है, पर वीडियो में हमने एक मोहन थाल और देखा था। वैसा अगर आपको बनाना है तो आपको चाशनी को 2 से 3 मिनट तक और पकाना है। और हमें एक तार की ऐसी चाशनी बनानी है कि लंबा लंबा तार बने। और अब हम चाशनी को बेसन में डालेंगे। तो बेसन थोड़ा गर्म है, ज़्यादा गर्म बेसन में हमें चाशनी को नहीं डालना है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम अभी हम लो रखेंगे। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितना दानेदार और बिल्कुल डार्क कलर आया है मोहन थाल के मिश्रण में। तो आप देख सकते हैं कि मिश्रण 2 से 3 मिनट में ही कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे अब हम बर्फी की ट्रे में सेट करेंगे। तो ट्रे को मैंने पहले से ही ग्रीस करके रखा था। तो अब हम इसे अच्छे से सेट कर देंगे और अब हम इसे कटे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। अब हम इसे आधे से 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आधे घंटे बाद अब हम इसे कट करेंगे। आप चाहें तो इसे 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने दें, उसके बाद भी इसे काट सकते हैं। तो काटने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे। एक और मोहन थाल जो मैंने पहले बनाई थी सेम मेजरिंग के साथ, केवल चाशनी वीडियो में मैंने बताया है कि आपको कैसे बनानी है, तो इसे भी मैं निकाल कर आपको दिखाऊंगी। तो दोनों को तोड़कर भी दिखाऊंगी कि मोहन थाल कैसा बना है। बिल्कुल सॉफ्ट है और दानेदार है, दोनों ही मोहन थाल बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।